एक बार रिसर्च के लिए एक साइंटिस्ट ने पानी से भरे बड़े से टैंक में शार्क फिश को डाल दिया। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारे के लिए मछलियां डाल दी। मछलियों को देखते ही शार्क ने उन्हें फटाफट से खा डाला। साइंटिस्ट ने फिर थोड़ी और मछलियां डाल दी, शार्क उनको भी खा गई। इसके बाद साइंटिस्ट ने टैंक में एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा डालकर टैंक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और दूसरी ओर टैंक के मछलियों का चारा डाला। लेकिन शार्क ने फिर से उन मछलियों पर अटैक करने की कोशिश की, पर वो कांच से टकराकर वापस लौट गई। पर शार्क ने हार नहीं मानी, वो कई बार उन मछलियों पर हमला करने की कोशिश करती रही, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वो असफल रही। कई दिनों तक शार्क उस कांच के टुकड़े के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल ना हो सकी। और अंत में थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद साइंटिस्ट ने टैंक से वो कांच का टुकड़ा हटा दिया, लेकिन शार्क उसने फिर भी कभी उन मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक मतलब कि एक कांच का टुकड़ा उसके दिमाग में बन चुका था और उसने सोच लिया था कि अब वो कभी भी उन मछलियों को नहीं पकड़ पाएगी। शार्क की तरह हम लोग भी जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं, और जब ये सोच हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो फिर हम वाकई में सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता के लिए हमको निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी ना होने दें और पूरी लगन से फिर से मेहनत करें। यकीनन एक समय पर सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।